हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो जो मैंने पहला वीडियो डाला था तो उसमें हालांकि एक चेंज हुआ था बाद में जो मैंने अपडेट किया था। अगर आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया होगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि डिविलियर्स नहीं खेल रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अपनी टीम नहीं पहले आपको अपडेट किया था, उसके बाद मैंने अपनी टीम को चेंज किया। आज का जो मैच था वो बहुत ही मेरे लिए अच्छा था और मैंने बहुत ही ज़्यादा जीता है उससे, मैं आपको भी दिखा दूँगा। और जो आज का जो मैच है वो, हालांकि कल जो मैच है वो है सनराइज़ वर्सेस दिल्ली के बीच में है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन और बेस्ट ड्रीम इलेवन का टीम क्या होगा। और फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता दूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसी से मुझे जो है एक प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने के लिए। मैं रात के 12 बजे आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। मैंने हालांकि एक टीम बनाया हुआ है आपके लिए, मैंने हालांकि न्यूज़ देख के ही बनाया है, लेकिन कल मतलब आज की तरह शायद कल भी कुछ हो जाए, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको अपडेट कर दूँगा अगर कोई चेंज होगा तो। आप ऋषभ पंत को ही रखिए विकेट कीपिंग में, बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है। और डेविड वॉर्नर और शिखर धवन, मैंने सिर्फ डेविड वॉर्नर को इसलिए दिया है क्योंकि वो एक्स फैक्टर है और बहुत ही बढ़िया फॉर्म में भी, और शिखर धवन हालांकि बहुत ही लेजी प्लेयर है, कुछ खास बड़ा इनिंग नहीं खेल रहा है। कुड़े एंडरसन जो के साथ आज का मैच खेल सकते हैं, हालांकि पिछले मैच मैथ्यूज ने खेला था। और करुण नायर को भी आप ले सकते हैं, हालांकि अच्छे फॉर्म में नहीं है। और सैम बिलिंग और युवराज सिंह को मैंने इसलिए टीम में रखा है क्योंकि दोनों ही, युवराज सिंह हालांकि बहुत ही अच्छे फॉर्म में और सैम बिलिंग ओपनिंग करते हैं और अटैकिंग बैट्समैन है। आदित्य तर नहीं खेलेंगे शायद कल का मैच क्योंकि वो अच्छा फॉर्म में नहीं है। आप डेविड दीपक हुडा को भी रख सकते हैं अपने टीम में, हालांकि अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि हालांकि वो गेंदबाजी भी करते हैं लेकिन बैट्समैन बहुत ही नीचे आते हैं और शायद अच्छा फॉर्म में भी नहीं है। शायद उसे रिप्लेस उसके उसके जगह में शायद किसी और को भी खिला सकता है। आप इतना मत सोचिए। संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर दोनों ही बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, ये ऐसे बैट्समैन है जो कि आपके लिए रन ज़रूर बनाएंगे। और श्रेयस अय्यर बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, इसलिए मैंने उसे लिया है क्योंकि उस प्लेयर को ज़्यादातर लोग नहीं जानते और बहुत ही अच्छा प्लेयर है। जिस दिन ये रन बनाएगा आपको जीता के ले जाएगा। और ऑलराउंडर पे आपको दो ऑलराउंडर ही काफ़ी रहता है, क्रिस मॉरिस जो कि आपको पता ही है कितना अच्छा फॉर्म में है, और हेनरी एल्स को तो आप ले सकते हो, हालांकि पिछले मैच में अच्छा नहीं किया था लेकिन आप रख लीजिए उसे। आप मोहम्मद नबी को भी ले सकते हैं लेकिन बहुत ही नीचे बैटिंग करने आते हैं इसलिए मैंने नहीं लिया। और जो तीन बॉलर मैंने जो लिया है वो आप देख सकते हो, मैंने लिया है भुवनेश्वर कुमार को जिसने पिछले मैच में 5 विकेट लिया था और मैच भी जीता है। आप अमित मिश्रा को भी ले सकते हैं, आशीष नेहरा शायद कल का मैच खेलेंगे, हालांकि वो थोड़ा डाउट है उसमें इसलिए मैंने नहीं लिया। और पैट कमिंस और राशिद खान को मैंने लिया है, पैट कमिंस बहुत ही अच्छे फॉर्म में और राशिद खान भी, आप चाहें तो ज़हीर खान को भी ले सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन जो है वीरेंद्र सरन है आपके पास, शायद एक मैच खेला के उसे ड्रॉप नहीं करेंगे और कल का मैच भी उसे खिलाएंगे। यही आपका हमारा ऑप्शन है जो मैंने, शाहबाज नदीम शायद कल का मैच खेल सकते हैं और बहुत ही अच्छे बॉलर भी हैं, आप चाहें तो उसे भी अपने टीम में रख सकते हैं। और जो मेरा कैप्टन है वो डेविड वॉर्नर और वाइस कैप्टन जो है क्रिस मॉरिस, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप संजू सैमसन को वाइस कैप्टन कर सकते हैं और क्रिस मॉरिस को कैप्टन कर सकते हैं, या फिर आप डेविड वॉर्नर को वाइस कैप्टन करके संजू सैमसन को कैप्टन कर सकते हैं, या श्रेयस अय्यर को। आपके पास बहुत ही सारा ऑप्शन है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो टॉप ऑर्डर
1 2 3 और 1 2 3 ऑप्शन का जो बैट्समैन इस लाइनअप पे आएगा आप उसे कैप्टन बनाइए। ऑल ऑलराउंडर का आप ज़्यादातर वाइस कैप्टन ही बना के रखिए क्योंकि बहुत ही कम चांसेस है बैटिंग करने का। सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक दिया है, आप चाहे तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूँगा। ओके।